दोस्तों स्टडी 91 के जीएस के इस टेस्ट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के लिए आपका लिए पहला प्रश्न दे रहा है कि अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जल्दी से उत्तर दीजिए, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पहला दे रहा है राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी जी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और यस सी बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अ नेशन इन द मेकिंग ये पुस्तक किसने लिखा है, तो याद रखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की किताब है। ठीक है, और स्ट्रगल, ठीक है, माय स्ट्रगल किसने लिखा था, तो वो जो है सुभाष चंद्र बोस की थी, गलती मत करेगा। अ नेशन इन द मेकिंग किसकी किताब है, एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की किताब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करण निम्न को सुमेलित करना है आपको, चलिए करते हैं। और बुरुंडी, कजाकिस्तान, लाओस, माली सब देश हैं। अच्छा, उसकी राजधानी आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कि किस देश की राजधानी कौन सी है। सबसे आसान है इसमें दोस्तों माली, माली जो देश है इसकी राजधानी कहां पर है, जल्दी से बताइए। माली की राजधानी है बमाको, माली की राजधानी कहां पर है, बमाको है। ठीक है, लाओस की राजधानी कहां पर है दोस्तों, बियंतियान है, बियंतियान। ठीक है, देखिए वियतनाम एक देश है और बियंतियान राजधानी है लाओस की, याद रखिएगा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, तो बुरुंडू की कहां हो जाएगा, बुजुम्बुरा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं यहां पर सेट कर दिया हूं। देखिए आपके इस एंगल से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, याद रखिए राजधानी से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। धीरे धीरे अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप बेस्ट कर पाओगे। कह रहे नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था, किसने खोजा था भाई नौदा टोली को, तो मैं आपको कई बार पढ़ाया हूं, एचडी सांकलिया नाम था। ठीक है, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एच डी सांकलिया, इन्होंने नौदा टोली का उत्खनन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेगा। ठीक है, और पुणे इंस्टीट्यूट से संबंधित थे और वहाँ के बच्चों के साथ मिलकर के इन्होंने काम किया था, इसके बारे में आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, करा मृण पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई और ये कृति आपको कहाँ से मिली है, फिर से समझिए। करा मृण पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता, ये इमेज वाली आपको पट्टिका जो मिली ये कहाँ से मिली, याद रखेगा लोथल से। अभी इसमें भी आप गलती करेंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए एकदम सही है। लोथल जो है ये हड़प्पाकालीन स्थल है और भगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था, तो याद रखिए यस आर राव ने इसकी खोज किया था। ठीक है, और यहाँ से बहुत कुछ मिला है। इसके अलावा दोस्तों अग्नि देवता की मूर्ति भी मिली है, उनके सिंह पर सिंह बना हुआ है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, अथाह नाम देते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिए, अथाह और अर्का, ठीक है, ये देवी देवताओं के नाम हैं, याद रखिएगा। आगे है उदयन वासदत्ता की दंतकथा संबंधित है, किससे संबंधित है, उदयन वासदत्ता की दंतकथा ये किससे संबंधित है। ठीक है, कह रहा है उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से या कौसाम्बी से, तो याद रखिए दोस्तों ये उदयन वासदत्ता की जो दंतकथा थी ये वत्सराज उज्जैन और उज्जैन की राजकुमारी थी वासदत्ता, उनके लिए बीच में एक कथा का वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिए जो राजा थे इनका संबंध कहाँ से था, इलाहाबाद से था, और उस समय इलाहाबाद जो है कौसाम्बी राजधानी हुआ करता था, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ये और इसके बारे में वर्णन और भी मिलता है। ठीक है, इसको याद रखिए, महाकवि भास ने अपने नाटक था उनका एक स्वप्नवास दत्ता, उसमें भी इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, ये सब प्रश्न याद रखिए। आगे है कलसी, कलसी प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको बताना है कि कलसी किसके लिए प्रसिद्ध है। करा बौद्ध चैतों के लिए, फारसी सिक्कों के लिए, अशोक के शिलालेख के कारण या गुप्तकालीन मंदिरों के लिए, तो याद रखिए दोस्तों अशोक ने कुल मिलाकर के 14 शिलालेख जो 8 स्थानों पर मिले हैं उसमें से कलसी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से अशोक के शिलालेख मिले हैं। कलसी दोस्तों ये देहरादून में एक जगह का नाम है। ठीक है, देहरादून में पड़ता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में एक जगह का नाम है और यहाँ से कई सारे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कलसी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ। मालवा क्षेत्र तक यानी मगध जो था, मगध कहाँ पड़ता है, आप देख रहे हैं उड़ीसा के पास, उड़ीसा के निकट, बिहार उड़ीसा के बीच में वहाँ पर मगध था और वहाँ से बढ़ते बढ़ते मालवा तक आ गया। ठीक है, मालवा तक आ गया मतलब सीधे मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पर पहुँच गया। इतना बड़ा जो है साम्राज्य स्थापित हो गया था और किसके समय में इतना बड़ा विस्तार हुआ था, कह रहा है बिंबिसार के समय में, अजात शत्रु के समय में, उदयनभद्र के समय में, या फिर उदयभद्र के समय में, या फिर शिशुनाग के समय में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयभद्र। याद रखिए उदयभद्र या उदयन ने गंगा और सोन नदी के ठीक संगम पर दोस्तों पाटलिपुत्र नगर बसाया और फिर वहीं से अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि चंद्रगुप्त के नौ रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था। उनके यहाँ नौ रत्न रहा करते थे, उसमें से एक लोगों का नाम यहाँ पे दिया गया जो कि ज्योतिषाचार्य थे। ठीक है, ज्योतिष से संबंधित थे और आपको उन्हीं का नाम बताना है। तो याद रखिए दोस्तों वर रुचि जो थे ये विक्रमादित्य के यहाँ एक क्या थे,
वर रुचि जो थे ये ज्योतिष से संबंधित थे। इसके अलावा धन्वंतरी का नाम सुना होगा, चिकित्सक से थे। छपड़क का नाम सुना होगा, अमर सिंह ने शब्दकोश लिखा, शंकु बेताल भट्ट, ठीक है, घटकरपड़, कालिदास भी थे, बरामीर थे, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये सबको भी याद रखिए, सबके बारे में पढ़ाया गया आपको, आप हिस्ट्री में देखिए जा करके। करा किसी वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया, किस वंश के? दोस्तों ये क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली सल्तनत के कुल 5 वंश चले हैं, याद रखेंगे आप, ठीक है। पहला है गुलाम वंश चला था, ठीक है। दूसरा, अच्छा कब कौन कौन से चले थे वो भी मैं आपको एक बार याद दिला दे रहा हूँ, ठीक है। गुलाम वंश जो था दोस्तों ये 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हुआ था, 1290 तक चला था। इसके बाद आ गया था आपका खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश दोस्तों 1290 से 1320 तक चला था, बहुत कम समय तक चला था। उसके बाद आ गया जी के एस, फिर आ गया तुगलक वंश, ठीक है, कौन सा आ जाएगा, तुगलक आ गया, फिट है, तुगलक के बाद सैयद आ गया, सैयद के बाद आपका लोधी वंश आ गया, लोधी सबसे आखिरी में था, और याद रखेंगे आप इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश, जो कि सबसे कम समय तक शासन किया था तुगलक वंश ने, ठीक है। तुगलक वंश कब से कब तक था, तो ये 1320 के बाद तुगलक वंश ही था, ठीक है। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक था, ठीक है, यही है ना, 1414 तक था। और उसके बाद आ जाता कौन सा आपका दूसरा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये सबसे अधिक समय तक पूछा है तो तुगलक वंश, और सबसे कम समय तक पूछता तो देखिए 1414 से लेकर के 1451 तक, ठीक है, ये चला था, ठीक है। जैसे एक खिलजी वंश भी चला था वैसे ही, दोनों भी कम चले थे, याद रखिएगा। आगे बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था, जल्दी से बताइए, डचों के द्वारा कौन सा कारखाना बनाया गया था। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर दूसरे नंबर पर डच आए थे, तो डचों ने कौन सा कारखाना बनाया था, कहाँ पर, तो याद रखिए चिंसुरा में अपना कारखाना बनाया था इन्होंने डचों ने, बंगाल में पहली फैक्ट्री, ठीक है, पीपली में स्थापित किया। और उसके बाद अगला बना था बालासोर में, ऑप्शन दे नहीं रहा है, ठीक है, और तब जाके चिंसुरा में, तो चिंसुरा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वहीं पर इन्होंने किला भी बनाया था, डचों ने वहीं पर किला भी बनाया था, गुस्तावुल का किला, याद है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है सुमेलित, ओहो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन दे दिया, चलिए कोई बात नहीं। कह रहा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये कहां पर बनी थी, तो ये लंदन में बनी थी, सही है कि गलत, ये तो सही है दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में ही बनी थी। इसके बाद दूसरा दे रहा है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये कहां पर बना था, कलकत्ता में, ये भी सही है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन ये लंदन, ठीक है, और इंडियन एसोसिएशन ये बम्बई। अब आपको बताना है दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, फिलहाल के लिए तो तीसरा और चौथा ये दो हैं जो सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बाकी के दो सुमेलित हैं। करें निम्न को सही सुमेलित कर दीजिए, ठीक है, चलिए फटाफट करिए। इंडिया लीग की स्थापना किसने किया है, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा, सही सुमेलित करना है सिर्फ आपको, ठीक है। इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। दूसरा है इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया है, ये भी सही है। तीसरा दे रहा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, तो उदारवादी संघ दे दिया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के पास जाइए, ठीक है, उदारवादी संघ की स्थापना इन्होंने किया था। और बाकी जो दे रहा है कि यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन संघ, ठीक है, तो ये आया था सर सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि दामोदर नदी जो है यह सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है दामोदर नदी, जल्दी से बताइए, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, इत्मीनान से पढ़ के उत्तर दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब जाहिर सी बात है दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में है, तो आपको तो एकदम गेस कर लेना चाहिए कि यहाँ पर हुगली ही हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिए दामोदर नदी झारखंड राज्य के पलामू जिले से निकलती है, ठीक है, वहाँ से बहती है, बहते हुए कहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल में जाती है, और वहाँ हुगली के साथ जाकर के मिल जाती है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसकी कई सारी नदियाँ उपसहायक नदियाँ हैं, जैसे बराकर नदी है, कुनार है, बुकारो है, ये सब नदियाँ जो इसकी सहायक नदियों में गिनी जाती हैं, और यह है हुगली की सहायक नदी। कह रहा है कार्डेमम की पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं उनका नाम बताना है, जल्दी से बताइए। काफी पहले हम लोग ये क्वेश्चन पढ़े थे, केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर दोस्तों कार्डेमम की पहाड़ियां हैं, इलायची, याद रखिए इलायची यहां पर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया कार्डेमम, ठीक है, मसालों के लिए क्षेत्र बड़ा फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा तमिलनाडु और केरल। कह रहा है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है, वो कौन सा परियोजना है, चंबल घाटी परियोजना, ठीक है, पहला ऑप्शन है, दूसरा है हीराकुंड, तीसरा है मयूराक्षी, चौथा है सारावती, ठीक है। तो याद रखिए चंबल घाटी परियोजना जो है दोस्तों इससे जो है कई राज्यों को फायदा मिलता है, जैसे मध्य प्रदेश को भी मिलता है, राजस्थान को भी मिलता है, ठीक है। इस पर कई सारे बांध भी बनाए गए, पता होगा राणा प्रताप सागर बांध है, गांधी सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, ठीक है, इस वजह से आप कह सकते हो कि
इस पर जो है कई सारा बात बना, ये चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी जो दे रहा है शरावती नदी वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है, मयूराक्षी का जो नाम दे रहा है मयूराक्षी भी है लेकिन पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, तो स्पेशली उसी के लिए परियोजना चल रही है। और इसी तरह से है हीराकुंड महानदी पर है, तो महानदी भी कहाँ पर उड़ीसा में, तो उसके लिए खाली स्पेशली है। यहाँ पर चंबल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंबल नदी के द्वारा मध्य प्रदेश, ठीक है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन दोनों को मदद मिलती है, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्न में से भारत के किस राज्य या संघीय क्षेत्र को का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जो सर्वाधिक वनाच्छादित है। तो आपको पता होगा दोस्तों, नागालैंड नहीं, नागालैंड नहीं, ठीक है, अभी देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रहा है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग पहले इसके लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि किस में कौन सा है, ठीक है, तो याद रखिए। फिलहाल तो अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें, ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत में आपका मिजोरम जो है, मिजोरम ये सबसे ज़्यादा है, करीब 95 या 90% के आसपास है, 90-95% वहाँ पर वनाच्छादन है, तो उसका नाम तो दे नहीं रहा है, वो तो होगा नहीं। अंडमान निकोबार यहाँ पर मुझे लगता है सही उत्तर आना चाहिए, अंडमान निकोबार, क्योंकि नागालैंड में भी है लेकिन इतना नहीं है, ठीक है, झूम खेती वहाँ बहुत ज़्यादा होती है जिसके वजह से प्रभाव पड़ा है, अंडमान निकोबार ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 80-84% तक दोस्तों, 84-85% तक जो है अंडमान निकोबार में ये है, पाया जाता है, ठीक है, और नागालैंड में काफ़ी कम है, त्रिपुरा में भी कम है। वजह खाली एक है, वहाँ पर झूम खेती होती है और झूम खेती के दौरान आप जानते हैं कि वनों का वनों जो है उसका ह्रास किया जाता है। कह रहा ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है ब्रह्म कमल, कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक दे रहा है दोस्तों काजीरंगा के वनों में। अब काजीरंगा तो अभयारण्य है कि नहीं, ये तो असम में है। नीलगिरी के वनों में, तमिलनाडु वाला शांत घाटी में या फूलों की घाटी में, याद रखिए एक फूल है दोस्तों ब्रह्म कमल और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टाइम बाद ये खिलता है, और ये जो है फूलों की घाटी उत्तराखंड, चामोली का नाम सुना होगा, ठीक है, वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, उत्तराखंड में, याद रखेंगे फूलों की घाटी में ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से वहीं पर पाया जाता है, ठीक है, बहुत सारे औषधि गुण भी इसमें होते हैं। करण निम्न को सही सुमेलित करना, आपको कुछ नगर के नाम दे रहे हैं और कहाँ पर कौन फेमस है बताना है। सबसे आसान है फूलपुर, इलाहाबाद के पास में है, ठीक है, याद रखिए उर्वरक का कारखाना यहाँ पर इफ्को का, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इफ्को से संबंधित, ठीक है। इसके बाद आपका आगे बढ़ते हैं हम लोग हल्दिया, हल्दिया दोस्तों आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, और ये फेमस है पेट्रो रसायन के लिए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, दो हो गया, आगे बढ़ते हैं ब्रजराज नगर और कैमूर, तो कैमूर कहाँ पर है दोस्तों ये बताइए, जरा याद करके बताइए, कैमूर, कैमूर में मेजापुर से टिकआउट करके सीमेंट उद्योग कर देते हैं, ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है अगर कुछ नहीं आता ना तो आप आसपास के क्षेत्र लगा सकते हो। कैमूर में क्या है, विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएँ हैं और चुनार और मिर्जापुर इस सब बेल्ट को उठा के देखेंगे तो वहाँ सीमेंट उद्योग फेमस है, तो ऐसा करके सीमेंट लगा दिया। ब्रजराज नगर कहाँ पर हो जाएगा, कागज़ में हो जाएगा, ठीक है, तो इसको याद रखें ब्रजराज नगर, ये फिलहाल उड़ीसा में है और यहाँ पर कागज़ का मिल लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्न को सही सुमेलित करना है, खनिज तेल, खनिज तेल कहाँ पाया जाता है जल्दी से बताइए, खनिज तेल का संबंध कहाँ से है, ये गुजरात से हो जाएगा खनिज तेल, ठीक है, और वहाँ पर कौन सी बेसिन है, कांबे बेसिन है, ठीक है, कांबे बेसिन है, बहुत सारी जगह है वहाँ से होता है। बाकी जिप्सम के लिए दोस्तों ये तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान में पाया जाता है जिप्सम और खास करके जो जैसलमेर वगैरह है वहाँ पर पाया जाता है। सोना के लिए दोस्तों स्पेशली कर्नाटक है, ठीक है, वहीं पर खान है, सोने की खाने हैं, ठीक है, कोलार वगैरह है, हट्टी की खाने हैं, ये वहीं पर हैं, ठीक है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है और ये उड़ीसा, इसके लिए आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उड़ीसा में कई सारे जगह हैं, कालाहांडी है, सुंदरगढ़ है, संबलपुर है, ठीक है, वहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, बाकी कूट आप खुद से मैच करा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है, देखिए थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर टेक्निकल कर दिया, रेजिड्यूल कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, रेजिड्यूल मतलब होता है दोस्तों कौन सा, आप कह सकते हो कौन सा बताइए जल्दी, रेजिड्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत, क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत की सूची में आता है, तो आपको पता होगा अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आ रहा है, ठीक है, इसको आप रेजिड्यूल कर सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा आप और भी आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं, जैसे पश्चिमी घाट है दक्षिण भारत का वो भी रेजिड्यूल की श्रेणी में आता है, बिहार में पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं वो भी रेजिड्यूल की श्रेणी में आता है, तो ऐसा नहीं कि खाली अरावली ही अकेले है, लेकिन इसको भी आप याद रखेंगे। करा भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया, बड़े इत्मीनान से पढ़कर के इसका उत्तर दीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, तो जल्दी से बताइए। इसमें पहला दे रहा है दोस्तों एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये तो था, ठीक है, आगे कह रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि लाइन हमारे प्रस्तावना से बिल्कुल मैच कर रही है, ठीक है, हमारे प्रस्तावना की लाइन है, हूबहू लाइन है, मतलब ये कंफर्म है कि यही लाइन सही है। अरे हम लोग पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज
समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, पढ़ते हैं ना, तो ये चीज़ें हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बी वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि धर्म निरपेक्ष यहाँ पर होगा नहीं, बस कहानी खत्म हो जाएगी, पंथ निरपेक्ष है वहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, किसका संरक्षण करना चाहिए जो कि उसके मूल कर्तव्य में आता है, तो ग्राम पंचायत का, राष्ट्रीय ध्वज का, अनुसूचित जाति जनजातियों का, या वन्य प्राणी का। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो आंसर है दोस्तों वो है राष्ट्रीय ध्वज का। याद रखिए हमारे संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया, और उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। ठीक है, और उसमें ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि संसद में लेखों के वोट आवश्यक होते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है दोस्तों कि जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो, एक मिनट, जो एक्सपेंस है वो क्या है, रिसिप्ट से यानी रिवेन्यू से अधिक होता है, यानी ये वाला पोर्शन अधिक होता है। अच्छा, कह रहा है बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था है तो जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन व्यय की आवश्यकता होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल करता है। तीसरा, कह रहा है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। बस बिल्कुल सही यही उत्तर है। देखिए आपको पॉलिटी वाले सेगमेंट में पढ़ाया गया है दोस्तों, जब सरकार क्या करती है, वार्षिक बजट निकालती है। ठीक है, और वार्षिक बजट जो है समय सीमा के अंदर पारित नहीं हो पाता है, तो ऐसे में खर्चा बर्चा चाहिए ना काम करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए लेखों के लिए एक वोट का कांसेप्ट यहाँ पर है, और उसके तहत जो है ये काम किया जाता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे काम यहाँ से चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। कह रहा है संगम योजना, संगम योजना का उद्देश्य क्या है। अब कई लोग यहाँ पे गलती करने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत पुराना है, आज की योजना नहीं है। संगम योजना आई थी 1996 में, ठीक है, तब की योजना, और आपको बताना किससे संबंधित है। पहला दे रहा है कि शुद्ध पानी की पीने की व्यवस्था, नदियों की सफाई की व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव में बढ़ोतरी, या विकलांगों की सहायता। तो याद रखिएगा दोस्तों ये 1996 की योजना है, और ये बताती है विकलांगों की सहायता के बारे में। समाज कल्याण मंत्रालय जो था उसके द्वारा आया था, और ये उसके द्वारा निकाला गया था संगम। ठीक है, याद रखिएगा विकलांगों के प्रत्येक समूह को नाम दिया गया था संगम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। ठीक है, कैसे। कह रहा लोगों के जीवन स्तर से, परिवार की आय से, कैलोरी प्राप्ति से, या फिर परिवार के सदस्यों की संख्या से। तो याद रखें दोस्तों जो एक्चुअली में गरीबी को परिभाषित किया गया है वो कैलोरी से किया गया है। क्यों, क्योंकि शहरी और गाँव दोनों के लिए अलग अलग कैलोरी निर्धारित किया गया है। कहा जाता है कि जो लोग गाँव में रहते हैं उनके लिए एक दिन में कम से कम 2400 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, वहीं शहर में रहने वाले को 2100 कैलोरी में भी काम चल जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को इतना नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा बात है, इसको आप याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। देखिए 10 दिनों का स्पेशल डेज प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, स्पेशल प्रोग्राम चल रहा था 10 डेज का, और वो आपका कंप्लीट होने वाला, बस एक दिन और बचा हुआ है। तो ये 10 दिनों हमने क्या किया कि ओवरव्यू कर लिया, जो नए पुराने क्वेश्चन थे उनमें एक बार मिक्स करके देख लिया। आगे के जो सीरीज होंगे ये और भी स्पेशल सीरीज होंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा।